आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की और सरकार की नाकामियों पर बात की। पहले तो वह जनता की परेशानियों पर बात करते हुए भावुक हो गए और सरकार की आलोचना करने लगे, क्योंकि आज ये देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में पहुंचने में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इस कोरोना महामारी के दौरान ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपके दिल को दहला देने वाली। बेटा पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपनी मां को बचाने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रहा है, लेकिन पुलिस के लोग वो ऑक्सीजन सिलेंडर छीन के लेके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शमशानों में घंटों घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ा लाशों को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, और उस पर भी कल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने टिप्पणी की और कहा साफ तौर पे कि ऑक्सीजन की कमी के बगैर जो मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं वो किसी नरसंहार से कम नहीं, किसी जेनोसाइड से कम नहीं है। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी, उनको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, उनको चारों तरफ हरियाली दिख रही है। उन्होंने बयान दिया, बेशर्मी भरा बयान, और कहा कि उत्तर प्रदेश में ना के बराबर केसेस हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं। आगे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह सच दिखाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर भी टिप्पणी करते दिखे और कड़ी आलोचना भी की उन्होंने, और सरकार को जनता की परेशानियों को हल करवाने के बारे में बोले। प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ऑक्सीजन नहीं मांगते, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सुविधाएं नहीं मांगते, खुद कोई सुविधाएं दे नहीं पाते। लेकिन अगर बिक्की अग्रहरी जैसा व्यक्ति अपनी पत्नी का गहना बेचकर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराता है तो उस पर मुकदमा लिखने का काम जरूर करते हैं। अगर रायबरेली के पत्रकार सच खबर दिखाते हैं ऑक्सीजन की कमी पे तो उन पर मुकदमा जरूर लिखते हैं। अगर लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग ऑक्सीजन की कमी पर गुहार लगाते हैं तो उन पर मुकदमा जरूर लिखते हैं। आदित्यनाथ जी, सत्ता का इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता के प्रति आपका ये आपराधिक आचरण ये न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये हिटलर शाही से कम नहीं है कि इस बुरे वक्त में भी आप लोगों की मदद करने के बजाय, उनको ऑक्सीजन देने के बजाय उनको मुकदमा दे रहे हैं, उनको लाठियां दे रहे हैं, उनको FIR दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक और तकलीफ देह बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने कहा साफ तौर पर कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी के ऊपर ऑक्सीजन की कमी बताने पर मुकदमा लिखा गया तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के मुकदमा लिखने वाले पर कार्रवाई करेंगे। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं, अपील करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में जो मामले हुए हैं मुकदमे लिखने के, इसको संज्ञान में लें और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें। देश में कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, जिस पर सरकार को सक्रिय रहकर जनता की परेशानियों को हल कराने का काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।